हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये वाला जो ब्लॉन्ड हेयर कलर है मैंने किस तरीके से अचीव किया, और बहुत ज़्यादा इजी है इसको करना। और जिस प्रोडक्ट के साथ मैंने इस कलर को किया है वो प्रोडक्ट आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर ईजिली मिल जाएगी। गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करना एंड हाँ शेयर ज़रूर करना। तो चलो वीडियो की तरफ। तो इस कलर को अचीव करने के लिए मैंने यहाँ पे किट ली है सॉफ्ट ब्लॉन्ड की, स्ट्रेक्स अल्ट्रा लाइट की किट है। और ये वाली जो किट है आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर इजीली मिल जाएगी। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं, आपको जिस भी कलर की हाईलाइट चाहिए आप मेडिकल स्टोर से लेके कर सकते हैं। करने का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है, बट आपको जो कलर है वो अलग अलग कलर्स में आपको मिल जाएंगी इस तरीके की किटें। सो पीछे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था हाउ टू यूज़, आपको किस तरीके से यूज़ करना है, और सब कुछ इस बॉक्स पे मेंशन है। और इसका जो प्राइस है वो है ओनली 160 रुपीज़। फ्रेंड, अगर आप ये वाली हाईलाइट किसी पार्लर में करने जाएंगे तो आपके 2 से 2500 रुपये तो कम से कम लग जाएंगे, और इस वाली हाईलाइट को आप ओनली 160 रुपीज़ में कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि आपको इसको किस तरीके से करना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है गाइज, बहुत ज़्यादा ईजी। तो अभी मैं इसको दिखाती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसको ओपन करने के बाद इसमें जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो मिलेंगी आपको इस तरीके की एक प्लास्टिक की बॉल मिलेगी, ठीक है। आपको मिलेगा ब्लॉन्डर पाउडर डेवलपर। तो आप देख रहे हैं ये सभी चीज़ें इस किट में आपको मिल जाएगी। ये ब्रश है जिसकी हेल्प से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आपके पास जो भी ब्रश हो, मीन्स जिससे आप डाई लगाते हैं इस तरीके का ब्रश हो, आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर इस तरीके से पाउच में आपको डेवलपर और ब्लॉन्डर मिलेगा, जिसको आपको पूरा पूरा मिलाना है, ठीक है। जो इसका मिक्सिंग है वो आपको पूरी पूरी मिलानी है, जितना ब्लॉन्डर उतना ही डेवलपर। और ये कुछ कंडीशनर आपको इसके साथ में मिलेंगे, हेयर वॉश करने के बाद इस कंडीशनर को आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मिलेगा आपको ग्लव्स, और ये सब यहाँ पर मेंशन है कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है हर एक लैंग्वेज में। तो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको चाहिए सिल्वर फॉइल, तो सिल्वर फॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो इसके साथ नहीं मिलेंगे, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं इसको मिक्स किस तरीके से करना है। मिक्सिंग करने का जो तरीका है बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कट करना है, देन जितना भी ब्लॉन्डर डेवलपर है उसको आपको पूरा पूरा मिला देना है इस बाउल के अंदर में। अच्छा, दोनों चीज़ें डालने के बाद आपको इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग आपको प्रॉपर अच्छे से करनी है, अच्छे से पाउडर और जो डेवलपर है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। हो जाने के बाद अब हम करेंगे हाईलाइट। तो ये है मेरे क्लाइंट के हेयर, आप देख रहे होंगे बहुत लाइट ब्राउन कलर के इनके हेयर हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट ब्राउन कलर के इनके हेयर हैं। तो इनको जो हाईलाइट चाहिए ना, इन्होंने मुझे बोला था कि इनको फ्रंट में चाहिए, कुछ लेयर इनको बैक में चाहिए, तो उस तरीके से हम इनके हाईलाइट निकालेंगे। और इन्होंने बोला था कि मुझे इस तरीके से पार्टीशन करनी है तो यहीं पर ज़्यादा करनी है, तो हमने इनकी तिरछी मांग निकाल के इस तरीके से हाईलाइट निकाली है, ठीक है। आपकी चॉइस है, आपको हाईलाइट कैसी थोड़ी ब्रॉड रखनी है, पतली रखनी है, थोड़ी ज़्यादा दिखानी है, कम दिखानी है, वो तो क्लाइंट के और आपके ऊपर है, ठीक है। आप जिसका कर रहे हैं उनको किस तरीके से चाहिए, तो इन्होंने मुझे बताई थी कि इतनी इस तरीके से मुझे चाहिए, तो हम उसी तरीके से इनकी जो लेयर है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप जो ये हमने पेस्ट बनाया है ब्लॉन्डर डेवलपर का, इसको कभी भी आप जड़ में मत लगाइए, हमेशा आधा इंच छोड़ कर ही आपको इस कलर को लगाना है। तो लगाने का तरीका आप देख ही रहे हैं, हर एक बाल में, हर एक लेयर में बहुत अच्छे से लग जानी चाहिए,
तो इसको हम लगा रहे हैं ब्रश की हेल्प से। आप चाहे तो उससे भी लगा सकते हैं जो उस किट के साथ ब्रश आया था, बट मेरे ख्याल से उस ब्रश से बहुत ठीक तरीके से लग नहीं पाती है। तो आपके पास ये वाला ब्रश हो तो आप इसकी हेल्प से लगा सकते हैं। और सिल्वर फॉइल में आपको लगाने के बाद रैप करना है अच्छे से। अच्छा, सिल्वर फॉइल लगाते क्यों हैं? वो इसलिए ताकि इसमें अच्छे से हीट बन जाए, जिससे कि आपकी जो हाईलाइट है वो जल्दी हो जाए। और सेकंड ये कि जब आप ये कलर लगाते हैं तो ये कलर दूसरे बालों में ना चढ़े, सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए भी सिल्वर फॉइल को लगाया जाता है। तो आप जब इस तरीके से लगाते हैं तो उसको फोल्ड करके रख दीजिए। आपको जहाँ जहाँ हाईलाइट चाहिए वहाँ वहाँ आप लगा लीजिए। मैं इस वीडियो में इसे ये नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से निकाला है क्या, मेरा मेन पर्पस यही है कि आप इसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। आपको जहाँ भी हाईलाइट चाहिए, जिस भी सेक्शन में चाहिए, आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो डेवलपर पाउडर है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आता, ये है कि आपकी अच्छी खासी लेयर उसमें निकल जाएंगी। तो आप देख लीजिए कि आपको कितनी लेयर चाहिए, कहाँ कहाँ पे चाहिए, तो उस एरिया में पहले लगाएं। अगर बाद में प्रोडक्ट बच जाता है तो आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो इनकी हमने कुछ लेयर फ्रंट में दे दी और एक लेयर में 4-5 लेयर निकाल के हमने इनको थोड़ा सा यहाँ पे क्राउन एरिया में दे दिया। और अभी एक लेयर में निकालूंगी इनके बैक साइड में, जिससे कि अगर ये बन बनाए, चोटी बनाए या कुछ भी करती हैं ऊपर बालों को उठा के, तो इनकी जो हाईलाइट है वो पीछे से भी नज़र आए। तो पीछे से मैं कुछ इस तरीके से निकाल रही हूँ, आप देख रहे हैं 5 से 6 मैंने स्ट्रिक्स इस तरीके से निकाली है और यहाँ पे भी मैं लगा दूँगी। और हाँ, लगाने के बाद आपको बीच बीच में चेक करना है, 10 मिनट के बाद ही आपको चेक करना है कि कलर किस तरीके से आया। अगर क्लाइंट को लाइट या थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो आप उनको दिखा के चेक करा सकते हैं। तो अभी प्रोडक्ट थोड़ा सा बच गया तो मैं इनको यहाँ पे भी लेयर दे रही हूँ इस तरीके से निकाल के, आप जैसे कि देख रहे हैं। तो यहाँ से भी मैं 5-6 लेयर निकाल दूँगी। सो गाइज, इनकी काफ़ी सारी लेयर हमने दे दी है 160 रुपीज़ के उस किट में। देख रहे हैं आप कितनी सारी लेयर इनके बालों में हमने निकाल दी है। और करने का तरीका, प्रोसेस है वो पूरा का पूरा सेम है, बस आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि उसका जो कलर है वो किस तरीके से आया है। आप क्लाइंट को दिखा दीजिए एक बारी कि उनको कलर कैसा चाहिए, लाइट चाहिए कि डार्क चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं पीछे इतनी सारी इनकी लेयर हमने निकाल दी है, कई सारे सिल्वर फॉइल को हमने लगा दिए इनके बालों में। तो जब ये ओपन करेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी ग्लोबल हाईलाइट इन्होंने अपने बालों में की हुई है। तो अभी हम करेंगे चेक, और चेक आपको इस तरीके से करना है, कहीं पे डार्क या कहीं पे लाइट कलर नहीं रहने देना, पूरा इवन कलर आ जाना चाहिए। और अभी हम करेंगे इनको वॉश। अभी मैं इनको सेपरेटली वॉश कर रही हूँ, पूरे बालों को एक साथ वॉश नहीं कर रही, क्योंकि जो पीछे वाला कलर है वो अभी नहीं आया। तो अभी फ्रंट वाले बालों को मैं सेपरेटली वॉश कर रही हूँ, एंड देख रहे हैं कितना अच्छा कलर इनके बालों में आ चुका है। यही एग्जैक्टली कलर इनको चाहिए था। सो वो आप बीच बीच में आप चेक करते रहना कि आपको कलर इससे थोड़ा लाइट चाहिए कि डार्क चाहिए। और ये कलर आने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे हैं। किसी के बालों में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 20 मिनट्स भी लग सकते हैं, और किसी के बालों में ये बहुत जल्दी भी आ सकता है। इन्होंने अपने बालों में कभी कुछ नहीं कराया, कभी कोई कलर मेहंदी कुछ नहीं कराया, इसलिए इनके बालों में 10 से 12 मिनट के अंदर में ही काफ़ी अच्छा कलर आ चुका था। तो वो बालों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बालों का जो कलर है वो किस तरीके का है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क होते तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, बट इनका 10 से 12 मिनट के अंदर में अच्छा खासा कलर आ चुका था। एंड सी, देख रहे हैं कितनी अच्छी हाईलाइट हुई है।
आप भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप और भी काफ़ी सारी वीडियो चाहते हैं मेरे इस चैनल पे हाईलाइट की, तो आप मुझे कमेंट करना कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो बैक साइड से भी हमने निकाल दिया, बैक साइड में भी काफ़ी अच्छा कलर आ गया। एंड अभी लास्ट वाला जो पर्ल था वो हमने भी रहने दिया, क्योंकि उसमें कलर अभी अच्छे तरीके से नहीं आया था। सो अभी ये कलर आ चुका है, तो अभी हम इसको निकाल देंगे और इसको सेपरेटली वॉश कर लेंगे। सो गाइस, सारे बालों के हमने सिल्वर फॉल जो लगाया था वो हमने निकाल दिया है। अभी हमने इनको किया है वॉश और अभी इसको कर रहे हैं अब ब्लो ड्राई से ड्राई। तो अभी आप देख रहे हैं कि क्लियर कितनी अच्छे से निकल करके आई है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। गाइस, आप इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं इस कलर को अचीव घर बैठे, और ये बहुत टाइम तक लास्ट करता है फ्रेंड, बहुत ही लॉन्ग लास्ट होते हैं ये वाले कलर, ब्राउन कलर। और स्ट्रिक्स का जो ये किट है, इसमें अगर आप रेड हाईलाइट करना चाहते हो तो रेड भी है, ब्लू भी है, काफ़ी सारे इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। करने का जो तरीका है वो सबका सेम है। और आपको ये कलर कैसा लगा, प्रोसेस कैसा लगा, प्लीज़ बताना ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी तो गाइज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करना, शेयर करना। सो ब्लो ड्राई करने के बाद अभी हम इनके बालों में करेंगे स्ट्रेटनर। तो स्ट्रेटनर ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, बट स्ट्रेटनर करने से काफ़ी अच्छा लुक, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। आप चाहे तो बालों को रोल भी कर सकते हैं। तो फाइनल जो लुक है, फाइनल जो रिज़ल्ट है वो ये है। एंड देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बालों में ग्लोबल हाईलाइट की हो। तो पूरे बालों में तो नहीं की है, हमने फ्रंट में दिया था कुछ लेयर, कुछ एक दो लेयर हमने क्राउन सेक्शन में दिया था और पीछे की तरफ दिया था। एंड रिजल्ट ये वाला आया है, होप कि आपको पसंद आया होगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।